खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां साबिक वफाकी वजीर मजहबी अमूर कायद जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान साहबजादा सैयद हामिद सईद काजमी और नाज़िम आला वफाकुल मदारिस अल अरेबिया पाकिस्तान तर्जमान इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान ने मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया आलम वबा कोरोना वायरस की लपेट में है। मजीद जानते हैं अशीक यासिन की इस रिपोर्ट में। साहबजादा सैयद हामिद सईद काजमी और हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक का यह मुकद्दस और बाबरकत महीना रजू है इलाही अल्लाह और इज्तमाई तौबा व इस्तगफार का महीना है। इसलिए हम एक बार फिर पूरी कौम से अपील कर रहे हैं कि वो इज्तमाई तौबा का और इस्तगफार का और इनफरादी तौबा और इस्तगफार और रुजू इल्लाह का अहतमाम करें। सदर मुमलिकत के साथ तमाम मसालिक के नुमाइंदा और जदो इल्माए कराम की मशावरत के बाद जो 20 नकाती फार्मूला तय पाया, दीनी तबकात अपनी मसाजिद की सफाई सुथराई समाजी फासला और ममूर बीमार अफराद से पूरी पाबंदी की जा रही हैं, जबकि लॉकडाउन में कदर नरमी पैदा की गई है। अब जबकि लॉकडाउन में कदर नरमी पैदा की गई है तो मालूम हुआ कि एक तरफ बाज़ मजहबी तकरीबात और जुलूसों को इजाज़त दी जा रही है तो दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान के साथ तय होने वाले बाज़ उमूर से इनहिराफ हैरत का बायस है। मालूम हुआ कि एक तरफ बाज़ मजहबी तकरीबात और जलूसों की इजाज़त दी जा रही हैं तो दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान के साथ तय होने वाला अमवार से इनहिराफ हैरत का बायस है। कैमरामैन नैयर हसन के साथ अशीक यासीन, एएनएन न्यूज़ मुल्तान।